जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपकी अपनी तैयारी पर और स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ़ ज़ीरोस की अपन बात कर रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कैसे निकालते हैं। दोस्तों, आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है और ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रश्न है दोस्तों, 2, 4, 6, 88 तक मल्टीप्लीकेशन चल रहा है और आपको इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकालने हैं। दोस्तों, कैसे करोगे आप लोग, ध्यान देना। जब भी ऐसा केस आए कि सीक्वेंस कोई चेंज हो जाए आपके पास, सीक्वेंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो आपको क्या निकालना होता है, मैंने ये बताया भाई। या तो आप निकाल लो नंबर ऑफ टू, क्या निकाल लो, नंबर ऑफ दो, एक निकालना होता है नंबर ऑफ पाँच। दो और पाँच के जितने जोड़े बनेंगे ना, उतने ही उस सीरीज में नंबर ऑफ जीरो या फिर शून्य को की संख्या होगी। लेकिन इस सीरीज में आपको ये पता है कि दो ज्यादा होंगे कि पांच ज्यादा होंगे, जो कम होगा वो निकाल लेंगे, उतने ही जोड़े बनेंगे। तो आपको ये पता है कि इस सीरीज के अंदर दो तो बहुत बार आएगा, क्योंकि दो में दो है, चार का मतलब दो गुणा दो, दो बार दो आ गया, छः का मतलब तीन इंटू दो, एक बार दो आ गया, फिर आठ आएगा, दो तीन बार आएगा इसके अंदर, तो दो तो बहुत बार आ रहा है, अपन को निकालने हैं पाँच। जब भी ऐसी कोई स्पेशल सीरीज चलेगी तो उसमें नंबर ऑफ फाइव कैसे निकालोगे, आप एक काम करो, ये जो लास्ट का नंबर है ना, दो तरीके होते हैं, दोनों बताता हूँ। अभी थोड़ा सा लंबा मेथड है, हालांकि लंबा नहीं है, वैसे तो शॉर्ट है, लेकिन और भी शॉर्ट बताऊँगा, है ना। आप क्या करो, 88 को सबसे पहले दो से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 44। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इसको जो लास्ट का नंबर है उसको आधा कर लो। आधा कर लिया, अब इसको जब अपन ने आधा कर लिया, एक मिनट, फोन आ रहा है किसी का। जब इसको अपन ने आधा कर लिया तो ये जो आधे वाले नंबर है, ये जो 44 है, इससे आप निकालोगे नंबर ऑफ फाइव। पांच से गया आठ बार, पांच से गया कितनी बार, एक बार, तो आठ और एक कितने हो गए, नौ। आठ और एक कितने हो गए आपके पास, नौ। तो यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नाइन। ये आपके पास होंगे नंबर ऑफ जीरोस, नाइन क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, शून्यकों की संख्या। एक और प्प्रश्न लेते हैं, 2, 4, 6, 9, 62। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, 962 का हाफ कर लो, क्या कर लो, हाफ, या दो का भाग दे लो इसके अंदर। दो से चार बार गया, फिर आठ बार गया, एक बार गया, 481 आ गया, कितना आ गया आपके पास, 481। अब 481 से आप क्या निकालोगे दोस्तों, 481 से आप निकालोगे नंबर ऑफ फाइव, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ फाइव। ये किससे निकालोगे, इस 481 से, 481 को आप 5 से करोगे डिवाइड, 90 बार जाएगा ना ये, 5×9=45, सॉरी, फिर 3 बचा 6 बार, फिर 5 से दे लो भाग, 5×5=5, 4 बचा 5×9=45, 5 से फिर ये 3 बार गया, 96, 19 और 3 इनको जोड़ लो आप लोग, 96, 19 और 2, 5×48=96, 5×5=5, 5×9=45, ठीक है, 6 × 3=9, 18, 1, 9 और 1 10 और 1 11, 118 बार क्या आएंगे इसके अंदर आपके पास, जीरो, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 118 होगी आपके पास। चलो एक और प्रश्न लेते हैं, अब की बार मैंने सीरीज चेंज कर दी, पहले इवन नंबर आ रहे थे 2, 4, 6, अब ओड नंबर की सीरीज चल रही है 3, 6, 9, 51 तक चल रही है। अब जब भी ऐसे सीरीज चलेगी आप लोग क्या करोगे दोस्तों, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, है ना। देखो, जब दो की सीरीज चलती थी हम दो से डिवाइड करते थे, आधा करते थे, तीन की सीरीज चल रही है तो आप लोग सबसे पहले तीन से डिवाइड करोगे, यानी कि 51 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 3 से। 17 बार गया,
फिर 17 से क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ फाइव निकालोगे, क्या निकालोगे आप लोग 17 से, नंबर ऑफ फाइव। लेकिन एक बात ध्यान देना, क्या इस सीरीज के अंदर भी दो ज्यादा आ रहे हैं कि पांच ज्यादा आ रहे हैं, बताओ जरा। जो कम आएगा वो निकालने हैं। देखो 6 के अंदर 3 गुणा 2 होता है, फिर 12 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 12, तो 12 का मतलब क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 तो बहुत बार आ रहा है, 5 कम आ रहा है, 17 से 5 निकाल लो कितनी बार गया 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएगा आपके पास 3 ही आपका क्या आएगा आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ उसका कंसेप्ट, ये तो था कंसेप्ट, अब बताता हूँ आपको ट्रिक। दोस्तों ट्रिक में क्या होता है, जो लास्ट का नंबर होता है उसको फर्स्ट नंबर से एक बार डिवाइड कर लो, क्या कर लो एक बार डिवाइड कर लो, उससे आपको n की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यानी कि 51 को आप डिवाइड करो 3 से, कितना मिला आपके पास 17, 17 को आप किससे डिवाइड कर लो 5 से, वो आपके पास नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न करें अगर अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों 5, 10, 15 और 400, दो तो बहुत बार आएगा, क्या करोगे 400 को 5 से डिवाइड करना है, 400 को किससे डिवाइड करना है 5 से, मैं लिख के कर रहा हूँ आप ऑरली कर सकते हो, 80 बार जाएगा, 80 में 5 की संख्या निकाल लो, 5 एकम 5 3 बचा, 6 बार गया, 5 से कितनी बार गया 3 बार, 16 और 3 कितना हो गया 19 बार आपका क्या आएगा इसके अंदर शून्यकों की संख्या, सही है 400 वाला है ना, एक मिनट, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में दिक्कत यह है कि आप गौर से देखो ये आपका गलत है, गलत क्यों है बताता हूं मैं आपको, एक बात ध्यान दो इस सीरीज पे ध्यान दो आप लोग, हर बार वो कंसेप्ट काम में नहीं ले जो अपन कर ले रहे हैं, कंसेप्ट चेंज कैसे होगा, इसमें 5 आ रहा है ज्यादा बार, 10 के अंदर कितना आ रहा है 5 गुणा 2, 15 के अंदर कितना आ रहा है 5 गुणा 3, 20 के अंदर 5 गुणा 2 गुणा 2, 25 के अंदर 5, मतलब कि 5 बार बार आ रहा है आपके पास, तो कम संख्या किसकी होगी 2, तो इसमें हमको निकालना है 2 की संख्या, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, हमको पता करना है इस प्रश्न में 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 कैसे पता करेंगे दोस्तों बताओ, दो पता करने का सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने कहा था 400 जो है ना उसमें भाई जब दो ज्यादा बार आ रहे थे तो हम क्या करते थे, पहले 2 की संख्या निकालते थे फिर 5 का, यानी कि लास्ट को पहले से डिवाइड करते थे फिर निकालते थे अपन क्या 5, तो कंसेप्ट वही है, 400 को 5 से भाग करो 80 बार जाएगा, ठीक है। अब 80 जो है ना इससे 2 निकाल लो, 2 कितनी बार आएगा, 2 40 बार, 2 20 बार, 2 10 बार, 2 5 बार, 2 2 बार, 40 और 20 60 और 10 70, 5 75, 2 77, फिर 2 और जाएगा ना एक बार, तो 78 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो इसी कंसेप्ट पे एक और प्रश्न करते हैं, देखो सीरीज 5 वाली चल रही है यानी कि 5 ज़्यादा बार आएगा, सबसे पहला काम 600 में 5 का भाग दे लो आप, तो कितनी बार गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 बार, इसमें नंबर ऑफ 2 निकाल लो 60, 2 से 2 30, 2 से 2 15, 2 से 2 7, 2 से 2 3, 2 से 2 1, 60 और 30 90 और 15 105, 7 3 10, 60 और 30 90, 90 और 10 100, 105, 115, 116 बार क्या आएगा आपके पास नंबर ऑफ जीरो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगला प्रश्न करें आप, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करते हैं दोस्तों, अब देखो इसके अंदर आपके पास 5 की सीरीज नहीं है, इसमें सीरीज आ गई आपके पास किसकी 10 की, तो 10 की सीरीज जब भी आएगी ना तो आपको तो जीरोस कैसे निकालने हैं, 2 और 5 से निकालने हैं, किससे निकालने हैं 2 और 5 से निकालने हैं। भाई 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब 5 इंटू 2, 20 का मतलब 5 इंटू 2 इंटू 2,
30 का मतलब 5 इंटू 3 इंटू 2, तो अपन को क्या करना है, 5 काउंट, 2 तो बहुत बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार 2 आ गया और 5 केवल 1 2 3 बार आया, यानी कि 5 कम बार आएगा, तो अपन नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे। इसके अंदर क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ 5। कंसेप्ट वही है, लास्ट वाले नंबर को पहले नंबर से डिवाइड करो, 1000 डिवाइड बाई 10 तो आपके पास 100 बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, 5 निकालना है कि 2 निकालना है, अगर 5 निकालना है तो 5 से भाग देंगे, 2 निकालना है तो 2 से भाग देंगे। तो हमें 5 निकालना है 20 बार गया, 5 निकालना है 4 बार गया, बस 20 और 4 कितने हो गए, 24 इज योर राइट आंसर। लेकिन सीरीज 10 की आ रही है ना आपके पास, तो 10 की सीरीज में दोस्तों ये वाला भी काउंट होगा, 100 भी, तो 124 क्या आ जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। कुछ और प्रश्नों की बात करें दोस्तों, 1357 999 125, देखो ओड की सीरीज चल रही है, 1357 9 11 13, बताओ 2 कितनी बार आएगा इसके अंदर, सोचो दोस्तों। देखो ये सीरीज चल रही है यहां से यहां तक की, 1 में 2 नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, फिर 9 में भी 2 नहीं आएगा, 11 में भी 2 नहीं आएगा, यानी कि ओड सीरीज के अंदर 2 तो कहीं पर आएगा ही नहीं आपके पास। अब जब 2 नहीं आएगा तो फिर आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, कि इसमें तो 2 नहीं आएगा, जब 2 नहीं आ रहा है तो इस सीरीज के अंदर कोई शून्यक नहीं होगा। भाई शून्यक के लिए क्या चाहिए आपको, 5 और 2 का पेयर चाहिए। अब 5 चाहे लाख आ जाए लेकिन 2 नहीं आ रहा तो 0 नहीं बनेगा, 0 जो बनेगा आपको 125 से मिलेगा, केवल किससे मिलेगा, 125 से। अब 125 से जब 0 मिल रहा है आपको, तो 125 से 128 है जो भी है। अब 128 के अंदर जो है ना भाई, इसमें 2 तो नहीं आ रहा लेकिन 5 तो बार बार आ रहा है, 5 तो बार बार आ रहा है। अब एक काम करो आप लोग, 125 के अंदर आप क्या निकाल लो, 2 निकाल लो भाई, 5 तो इधर बहुत सारे आ जाएंगे, कम क्या आएंगे, 2। तो 125 के अंदर आप क्या निकालोगे, 2 की संख्या 62 बार, 2 से 31 बार, 2 से 15 बार, 2 से 7 बार, 2 से 3 बार और 2 से 1 बार। 62, 31, 15, 2 निकालने ना, 2 कितनी बार आएंगे, ऐसे थोड़ी 2 आएंगे यार, ये तो सीरीज थोड़ी चल रही है, ये तो 125 अकेला है। तो आप एक काम करो, 125 में 2 कितनी बार आएगा, 125 में 2 कितनी बार आएगा, यहाँ 25 नहीं होना चाहिए यार, ये तो लॉजिकल सीरीज बन गई थोड़ी सी। 128 होगा यहाँ पे, कितना होगा, 128, 128 का मतलब कितना होता है आप बताओ जरा, 2 की घात कितनी, 7 भाई। 128 जो है ना, 2 से गया कितनी बार, 64 बार, 2 से गया कितनी बार, 32 बार, 2 से कितनी बार, 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात कितनी होगी, 7। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 7 बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे आपके पास, 7। थोड़ा और चेंज क्वेश्चन है, 61 62 63 64 और 69 तक आपको नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, थोड़ा सा चेंज आएगा दोस्तों, चेंज क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। अब ये सीरीज जो है ना दोस्तों, ना इवन की है ना ओड की है, ना ये 1 से स्टार्ट हो रही है ना ये 2 से स्टार्ट हो रही है, इसमें क्या आ रहा है, 61 से स्टार्ट हो रही है। ध्यान दो, 62 के अंदर बहुत बार 2 आएंगे, 64 के अंदर बहुत बार 2 आएंगे, ऐसे ही 66 के अंदर 2 आएंगे, 68 के अंदर 2 आएंगे, 70 तो है ही नहीं, तो 2 तो बहुत बार आ रहे हैं आपके पास। 5 किसके किसके फैक्टर में आएंगे, देखो 5 केवल 65 के फैक्टर में आएंगे, किसके फैक्टर में आएंगे, 65 के फैक्टर में, और 65 का मतलब क्या होता है, 13 पंजे 65, 13 इंटू 5, यानी कि एक बार ही 5 आएगा पूरी सीरीज के अंदर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। यही क्या आपका आंसर। एक और प्रश्न लेता हूं, समझ में आएगा आपको भी, है ना। प्रश्न है 71, 72, 73
और ये सेवन तक थोड़ी जाएगा, क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या? ये जाएगा दोस्तों कहाँ तक, 71 वाला प्रश्न है, सेवेंटी नाइन तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 79 तक। तो दोस्तों इसमें देखो दो आएंगे ज़्यादा बार, पांच आएंगे कम बार, पांच कहाँ कहाँ आएंगे, केवल 75 के अंदर आएंगे, है ना। और 75 क्या होता है, 25 इंटू तीन, और 25 का मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 3। तो पांच कितनी बार आया, दो बार, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे इसमें, दो जीरोस आएंगे आपके पास। अगला प्रश्न है दोस्तों 121, सॉरी कौन सा आ गया, अब थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई सीरीज ही नहीं बन रही। देखो दो इसके अंदर आएगा, दो इसके अंदर भी आएगा, दो इसके अंदर भी, और बहुत बार आएगा। तो अपन क्या निकालेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ फाइव निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ फाइव। देखो एक बार कर लो, इनके फैक्टर कर लो, 25 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 × 5, 35 का मतलब क्या होता है, 7 × 5, 40 का मतलब क्या होता है, 8 × 5 = 40, यानी कि 2 × 2 × 5, और दो फिर आएगा। 50 का मतलब क्या होता है, 25 × 2, यानी कि 5 × 5 × 2, 60 का मतलब क्या होता है, 30 × 60, और 5 × 6 = 30, 3 × 2, 3 × 6 = 12, और 12 × 5 = 60। 65 का मतलब कितना होता है, 13 × 5। देखो दो कितनी बार आ रहा है, पांच कितनी बार आ रहा है, पहले पांच काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार क्या आ रहा है, पांच आ रहा है। दो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार दो आ रहा है। तो जो कम बार आता है वही तो डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6, क्योंकि 6 जो है, दो जो है ना वो 6 बार आ रहा है। अगला प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 1000 तक है, ये तो आप खुद से कर लोगे, निकाला हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए, थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन उठाए थे मैंने, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिफिकल है, आराम से कर लोगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करो, लिखो कि समझ में नहीं आया, मैं फिर से पढ़ाऊँगा और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा।